मोटर्स के 2000 शेयर हैं। 2000? हाँ सर जी। भाव सर 450 का है, 460 सर लमसम में। 460 रुपए के आसपास के भाव की टाटा मोटर्स हैं और हमने देखा काफ़ी ऊपरी स्तरों से ये शेयर फिसला, 400 रुपए के नीचे भी गया थोड़ी टाइम के लिए, फिर से रिकवरी की कोशिश में है। हालांकि 550 रुपए के आसपास का शेयर हुआ करता था। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में थोड़ा सा बज़ है, नए लॉन्चेस हैं, कहीं ना कहीं सेमी कंडक्टर के इशूज़ में हम देख रहे हैं कि जो मुश्किलें थी वो सुलझती हुई दिख रही हैं और ईवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शन बढ़ रहा है। अविनाश जी, टाटा मोटर्स डेफिनेटली ईवी का एक बड़ा बेनिफिशियरी है, अच्छी सी कंपनी पैठ जमा रही है भारत के बाजार में और पकड़ पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है। तमाम ऐसे इनकी गाड़ियां हैं जैसे कि नेक्सन हो गई या फिर हम छोटी कारों के बाजार में भी उनकी गाड़ियां देख रहे हैं, टिगोर हो गई या फिर टियागो हो गई, कंपनी मजबूत तो हो रही है। इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे ज़रूर है लेकिन क्या इनको निवेशित रहना चाहिए अभी? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए अभिषेक, टाटा मोटर्स ने अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था कि वो कंट्री में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आपने इनिशिएटिव कहा, वो कंपनी और भी एग्रेसिवली उसको फोकस कर रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों का नंबर की अगर हम देखें तो हाल ही में जो नंबर्स आ गए थे वहाँ पे देखा गया था कि बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों में आया है, कस्टमर्स इन गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से चल रहा है, 25-30% का यू नो ग्रोथ कंपनी देख रही है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी को अपने कर्जे से है और दूसरी बात जो नियर टर्म में इनको सताएगी वो बेसिकली यूरोप से प्रॉब्लम है। इनका काफी बड़ा एक्सपोर्ट यूरोप को होता है और यूरोप में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इनके लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, बट अगर कोई 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखता है तो मेरे ख्याल से बढ़ने के लिए बहुत पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम अगर ये इन्वेस्टर होल्ड करते हैं तो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड उनको मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय इनको टाटा मोटर्स में इस वक्त दे दी गई है। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं, ये सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं भरत। भरत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका पूछिए? मेरा सवाल ये है कि मेरे पास रिलायंस पावर के 200 शेयर है, तो कब तक होल्ड करूं मैं उसको? सोलह के लेवल्स पर आपने ये स्टॉक लिया था, ठीक है, आपको हिदायत दिलवा देते हैं संतोष जी। 200 शेयर्स 16 के भाव पर लिया था, अभी फिलहाल लकी यही है क्योंकि काफ़ी कम लोग होते हैं जिनको ऐसे स्टॉक में मुनाफा रहता है और इनको फिलहाल तो हो रहा है, फिलहाल मुनाफे में, लेकिन आई सपोज कि काफ़ी पहले की होल्डिंग थी इनकी, बीच में हमने देखा था कि स्टॉक 23-22 के लेवल्स तक भी आया था, उसके बाद फिर से नीचे आया, पिछले एक आध हफ्ते में ही हमने देखा कि 20% तक की गिरावट भी इस स्टॉक में देखने को मिली। अभी इनको बने रहना चाहिए स्टॉक में, थोड़ा और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए या फिर निकल जाना ही समझदारी होगी? जनरली इस तरह के स्टॉक्स को हम अवॉइड की सलाह ही देते हैं, बट फोर टाइमिंग सेक्टर टेलविंड है इस स्टॉक के साथ, तो मेरे हिसाब से इनको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 16.50 रुपये पर लेके आ जाना चाहिए और अगर वापस से उछाल मिलता है, स्टॉक वापस 24-25 रुपये के आसपास मिलता है तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब अभी सेक्टर में तेजी है तो उसकी वजह से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। सो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 16.50 रुपये पर और 24-25 रुपये के आसपास एग्जिट अपॉर्चुनिटी को देखे। ठीक है, रिलायंस पावर को लेकर ये भी लेकिन